नमस्कार, मैं हूँ शिरीष डेलिश फूड चैनल से। आज हम आपको एक अलग किस्म का भरता बताने वाले हैं। आपने बैंगन का भरता खाया होगा, आपने दूधी का बाया भरता खाया होगा, ऐसे बहुत सारे भरते खाए होंगे। आज हम भिंडी का भरता कैसे बनाते हैं वो बताने वाले। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये 1/2 किलो भिंडी ली है, एकदम कौली है। फिर उसमें डालने के लिए मैंने लिया है ये 1/4 कटोरी फ्राइड सिंगदाना, ये मैंने फ्राई करके रख दिया है। फिर 1 चम्मच राई के दाने और 1/4 टीस्पून जीरा। फिर उसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे ये ठेसा बनाया है। ठेसा मैंने 2 हरी मिर्चें और 4 लहसुन की कलियाँ इसको रोस्ट किया और फिर उसको ठेचा। ओके, फिर उसके बाद फिर हमने लिया है यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज जो मैंने महीन काट लिया है, और ये इसको बोलते हैं हरा प्याज। ये इस तरह से लेने का, ऐसे मैंने 5-6 डंठल लिए हैं और उनको फाइनली चॉप कर लिया है। और फिर स्वादानुसार नमक। अब इस भिंडी को ये ऊपर का पोर्शन इस तरह से मैं काट लूँगा और 1 भिंडी के 2 टुकड़े इस तरह से ये मैं सारी भिंडी काट लूँगा। ये देखिए, ये मैंने सारी भिंडी को ऐसे ऊपर के डंठल निकालने के बाद ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसमें मैंने ये ऐसे 2 लैडल ये मूंगफली का तेल लिया है और इसमें हम इस भिंडी को पका लेंगे जब तक कि वो नरम नहीं हो जाए, क्योंकि हमको इसको फिर बाद में इस मैशर से मैश करना है, क्योंकि हम लोग भिंडी का भरता बना रहे हैं ना, तो इसलिए। अब इसको मैं ऐसे लीड लगाकर इसको पका लूंगा और बीच में इसको थोड़े से सौते करने का, थोड़े से हिलाते रहना। तो देखिए, यहाँ पे इस भिंडी को पकाते मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब ये लीड में निकाल लेता हूँ और गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ। और देखिए, ये भिंडी को तोड़ कर बताता हूँ मैं। देखिए, आराम के साथ टूट रही है, यानी अपनी भिंडी पक गई है। अब इस मैशर से मैं इस भिंडी को इस तरह से मैश कर लूँगा, एकदम पूरी तरह से नहीं, रफली। ये देखिए, ये भिंडी को मैंने इस मैशर से रफली मैश कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से मैंने 2 लैडल मूंगफली का तेल लिया है। अब ये गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून राई के दाने, थोड़े चटकने देते हैं उनको, और वो चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा। अब ये गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। बस अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये प्याज जो मैंने महीन कट लिया था, मीडियम साइज का, और इसे मैं सौते कर लूँगा 2 मिनट के लिए। अब ये जो मैं इसमें ये हो गया है कांदा, अब इसमें ये मैं 1 टीस्पून ठेचा डाल रहा हूँ। अभी ये जो ठेचा है ये आपके स्पाइस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपको कम तीखा लगता है तो आप कम डालिए, ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा डालिए। अब ठेचा के साथ मैं इसमें ये हरा प्याज भी डाल रहा हूँ और ये रिड्यूस होने तक मैं इनको पका लूंगा। ये देखिए, ये हरा प्याज और ठेचा ऑलमोस्ट पक गया है। अब इसमें ये मैश की हुई भिंडी डाल देंगे। कई कई लोग इसे सिर्फ बारीक बारीक महीन काट लेते हैं इसको रोस्ट करके, ये मैंने तेल में पकाया है। अब इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं और अपना भिंडी का भरता रेडी है। ये देखिए, अपना बैंगन ये भिंडी का भरता रेडी है। अब इसमें एंड में ये मैंने फ्राई किए हुए जो पीनट्स है उसे डाल दूंगा, और ये बारीक महीन कटी कोरिएंडर धनिया के पत्ते इसमें डाल दूंगा, और इसे मैं मिक्स करके फिर एक सर्विंग बोल में निकाल लूंगा। ये मेरा वाला भिंडी का भरता रेडी है। आप ये करके देखिए।
अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस भिंडी के भरते वाले वीडियो को लाइक करिए और ये जो वीडियो है ये अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ये करके देखिए, बहुत ही यमी लगता है, करके देखिए। थैंक यू।